मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जहां एक तरफ हमारे देश में कुछ लोगों का कहना है कि 2014 के बाद से देश में कुछ तरक्की नहीं हुई है, देश में इंटॉलरेंस बढ़ा है, गरीबी बढ़ी है, भारत डूबता जा रहा है, डेमोक्रेसी खत्म होती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ 2014 के बाद से हमें यह देखने को मिला है कि भारत सरकार जो भी पॉलिसी लाती है उसके अगेंस्ट प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है। भले ही इंटरनेशनल मीडिया, IMF, वर्ल्ड बैंक भारत की जितनी भी तारीफ कर दे, तब भी कुछ लोग यही बोलते हुए नजर आते हैं कि देश बहुत खराब हालत में है। अब तक कुछ लोग मुझे भक्त, गोदी मीडिया, BJP IT सेल बोलना शुरू कर दिए होंगे, तो उनको मैं यही कहूंगा कि जो रियलिटी है उसे एक्सेप्ट करना शुरू कर दो, अपने विवेक का इस्तेमाल करो, क्योंकि रिलीजन कार्ड खेल के, EVM हैक करके कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 10 सालों तक मेजॉरिटी लेके सत्ता में नहीं रह सकती है। तो मैं बस यही कहूंगा कि आप ये वीडियो पूरा देखो, क्योंकि मैं प्रूफ के साथ सारे प्रोपेगेंडा को इस वीडियो में खत्म करूंगा। I don't need to tell anyone here. He is the most popular world leader for a reason. I am a fan of Modi, so. His vision for digital India, was ahead of its time. तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मोदी गवर्नमेंट के 10 साल के टेन्योर के बारे में जानेंगे, तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूं, तो अगर आपको इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। देखो भारत की ग्रोथ की शुरुआत 1991 से हुई थी, जब भारत सरकार ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था, पर आप कह सकते हैं कि इंडिया को बूस्टर शॉट मोदी एरा में मिला है। पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत सारी स्कीम, पॉलिसी, रिफॉर्म की हैं, और इन सब से देश को कितना फायदा हुआ है आइए जानते हैं। देखो जनधन योजना की बात बहुत कम लोग करते हैं और ये रिफॉर्म ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं है, पर रियलिटी में जनधन ने ग्राउंड लेवल पे बहुत ही बेस्ट परफॉर्म किया है। जनधन योजना को मोदी सरकार ने 28 अगस्त 2014 को पूरे देश भर में लागू किया था, और अब तक जनधन योजना से भारत में 50 करोड़ से ज़्यादा बैंक अकाउंट खुल चुके हैं, जिसमें से 56% अकाउंट औरतों के हैं और 67% अकाउंट भारत के ग्रामीण इलाकों में खुले। इस प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से हम देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं। जनधन योजना मोदी सरकार की बेस्ट योजना साबित हुई है, क्योंकि जनधन के थ्रू बैंक अकाउंट खुलने से गरीब लोगों को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर का बेनिफिट मिल रहा है। भारत सरकार डायरेक्ट गरीबों के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दे रही है, जिससे करप्शन खत्म हो गई है। हमारे देश में कहा जाता था कि गरीब के लिए अगर सरकार 1 रुपए देती है तो गरीब को सिर्फ 15 पैसा मिलता है, बाकी करप्शन में चला जाता है, पर अब ऐसा नहीं हो रहा है। आप इस फिगर में देख सकते हैं कि पिछले 10 सालों में भारत में सोशल ट्रांसफर कितनी तेजी से इंक्रीज हुआ है, जिससे भारत में गरीब और जरूरतमंद लोगों को पैसा मिल रहा है। जनधन योजना के तहत भारत सरकार ने 10 सालों में 34 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। इसके अलावा जनधन से 10 सालों में भारत में बैंक डिपॉजिट 197% बढ़ा है। कोविड के समय जनधन अकाउंट के चलते ही भारत सरकार ने गरीबों को, किसानों को और जरूरतमंद लोगों के अकाउंट में पैसे डाले थे। अगर आज भारत सरकार बिना करप्शन के गरीबों को सब्सिडीज दे पाती है तो ये सिर्फ जनधन के चलते ही हो पा रहा है। वैसे एक बात मैं आपको बता दूं कि भारत के डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम की तारीफ IMF ने भी की है। IMF ने कहा है कि जिस तरह मोदी सरकार ने पैंडेमिक के समय लोगों के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया है, इससे दुनिया को भारत से सीखने की जरूरत है। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए पीएम मोदी ने सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया की शुरुआत की थी। जब 2014 को पीएम मोदी ने मेक इन इंडिया की शुरुआत की थी तब इसका बहुत ज़्यादा मजाक बनाया गया था, पर आज मेक इन इंडिया से इंडियन इकॉनमी को भी फायदा हो रहा है। जहां 2014 में भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 134 रैंक पे था, आज 63 रैंक पे आ गया है। 2014 में भारत ग्लोबल कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स में 72 पोजीशन पे था, आज 40 पोजीशन पे आ गया है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक 2014 में 76 थी, आज 40 है। 2014 में भारत की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में रैंक 54 थी, आज 38 है। इसके अलावा भारत की FDI में भी मैसिव इंक्रीज देखने को मिला है। मेक इन इंडिया से बीते 10 सालों में भारत में मोबाइल फोन प्रोडक्शन 21 गुना बढ़ा है। मोबाइल फोन की प्रोडक्शन बढ़ने से भारत का मोबाइल फोन इंपोर्ट कम हुआ है, वहीं एक्सपोर्ट 10 सालों में मैसिव 76 टाइम्स बढ़ा है। भारत इस फाइनेंशियल ईयर 1,20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का मोबाइल फोन एक्सपोर्ट कर देगा। भारत इस समय वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल
फोन प्रोड्यूसर कंट्री भी बन चुका है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि मेक इन इंडिया फ्लॉप है, भारत में मोबाइल फोन असेंबल होते हैं। तो देखो, किसी भी देश में मैन्युफैक्चरिंग तुरंत से तेजी से बढ़ने नहीं लगती है, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने में टाइम लगता है। चाइना जो इस समय दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है, उसने अपने यहाँ मेक इन चाइना 1978 से ही शुरू कर दिया था। फिर उसके बाद चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब 2000 के बाद से बना है, तो भारत को भी मैन्युफैक्चरिंग हब बनने में टाइम लगेगा। आप खुद देखना कि आने वाले 5 सालों में भारत कैसे एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनता है। 2 अक्टूबर 2014 को मोदी सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया था, जिसके चलते मोदी सरकार भारत को ओपन डेफिकेशन फ्री करना चाहती थी, और मोदी सरकार ने ये कर भी दिखाया है। पूरे देश भर में 11 करोड़ टॉयलेट बनाए हैं, जिससे भारत 2019 में ओपन डेफिकेशन फ्री हुआ है। ये देखते हुए यूनिसेफ और बिल गेट्स ने भी स्वच्छ भारत अभियान की तारीफ की है। 22 जनवरी 2015 को मोदी सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की थी। अब इस योजना से ये फायदा हुआ कि जहां 2011 में भारत में पर 1000 मेल्स के बराबर 943 फीमेल्स हुआ करती थी, वहीं आज 1000 मेल्स पे 1020 फीमेल्स हो गई हैं। पहले भारत में बेटों के लिए बेटियों को गर्भ में ही गिरा दिया जाता था, पर पिछले 10 सालों में ये कम हुआ है। इंडिया का जेंडर रेशियो पिछले 10 सालों में बेहतर हुआ है। इसके अलावा पिछले 10 सालों में भारत में फीमेल लिटरेसी रेट भी बढ़ी है। इसके अलावा नारी शक्ति के लिए मोदी सरकार ने कई काम किए हैं। पिछले 10 सालों में स्टेम कोर्सेस यानी कि साइंस, इंजीनियरिंग और मैथ्स में फीमेल इनरोलमेंट 28% से बढ़ के 43% हो गया है। इसके अलावा ट्रिपल तलाक को भारत सरकार ने खत्म किया है। पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली में वेमेंस को 1/3 रिजर्वेशन दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 70% घर औरतों को दिया है। 2 जुलाई 2015 को मोदी सरकार ने डिजिटल इंडिया को लॉन्च किया था। जैसे ही भारत में डिजिटल इंडिया लॉन्च हुआ, भारत में इंटरनेट के यूजर बहुत तेजी से बढ़ने लगे। 2014 में भारत में इंटरनेट यूजर 18 करोड़ थे। आबादी का सिर्फ 15% लोग उस समय इंटरनेट यूज करते थे, पर 2024 आते आते इंटरनेट यूजर के मामले में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। भारत में अब 751 मिलियन यानी कि 75 करोड़ लोग इंटरनेट यूज करते हैं, आबादी का 52.4%। आने वाले समय में ये नंबर और तेजी से बढ़ने वाला है। भारत में इंटरनेट यूजर के बढ़ने के पीछे जियो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जब से भारत में जियो आया है, इंटरनेट के प्लान बहुत ज़्यादा सस्ते हो गए हैं, जिसके चलते भारत में इंटरनेट के यूज़र भी बढ़े हैं। इंटरनेट यूज़र के साथ साथ भारत में स्मार्टफोन के यूज़र्स भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसके अलावा डिजिटल इंडिया के थ्रू छोटे छोटे गांवों में इंटरनेट सर्विसेज पहुंचाई गई हैं। जहां सालों से मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं थी, वहां उन्हें इंटरनेट की सर्विसेज मिलने लगी हैं। डिजिटल इंडिया के चलते भारत का ई कॉमर्स मार्केट भी वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग ई कॉमर्स मार्केट बन गया है। पिछले कुछ सालों में भारत का ई कॉमर्स मार्केट बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ है। 2014 में भारत के ई कॉमर्स इंडस्ट्री की मार्केट साइज $14 बिलियन थी, वहीं 2024 में यह बढ़कर $112 बिलियन की हो गई है। 2030 तक भारत का ई कॉमर्स इंडस्ट्री की मार्केट साइज $300 बिलियन की हो जाएगी। इसके अलावा 2030 तक भारत का ऑनलाइन शॉपर बेस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शॉपर बेस होगा। डिजिटल इंडिया के चलते भारत डिजिटल पेमेंट ट्रांजेक्शन के मामले में भी इस समय दुनिया का नंबर 1 देश बन चुका है। 5 अप्रैल 2016 को मोदी सरकार ने स्टार्टअप इंडिया लॉन्च किया था, जिसके चलते आज भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। और ये चीज़ आपने भी नोटिस की होगी कि पिछले 10 साल में भारत में बहुत सारे स्टार्टअप छोटे बड़े शहरों दोनों जगह पे ओपन हुए हैं। भारत में इस समय 1,25,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं और 110 यूनिकॉर्न हैं। यूनिकॉर्न उन कंपनीज़ को कहा जाता है जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा होती है। 11 अप्रैल 2016 को भारत सरकार ने UPI लॉन्च किया था। मुझे आज भी याद है कि किस तरह UPI का मजाक बनाया गया था, पर आज UPI जैसा एडवांस पेमेंट सिस्टम किसी भी देश के पास नहीं है। My potatoes and tomatoes and pay 7 rupees 50 paisa by a credit card. What will the poor lady do? Does she have a POS machine there? Is it connected to a electricity source? Is there Wi-Fi there? Is the internet working there? What kind of a false picture that you are present? आज रियल टाइम डिजिटल ट्रांजेक्शन के मामले में भारत विश्व के अग्रणी देशों में है। आज UPI भारत में सबसे पसंदीदा पेमेंट मैकेनिज्म बन गया है। भारत में जनवरी 2024 तक 452 मिलियन यानी कि 45 करोड़ से ज़्यादा UPI के यूजर्स हो गए हैं, और सिर्फ जनवरी के मंथ में भारत में लोगों ने UPI से 18.4 लाख करोड़ रुपीस का ट्रांजैक्शन किया है। और जिस स्पीड से UPI ग्रो कर रहा है, उम्मीद लगाई जा रही है कि 2026-27 तक पर डे UPI से 1 बिलियन ट्रांजैक्शन हुआ करेंगे। UPI धीरे धीरे अब इंटरनेशनल भी होता जा रहा है।
भारत की इकोनॉमी को फॉर्मलाइज करने के लिए मोदी सरकार ने 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया था ताकि भारत में टैक्स कलेक्शन तेजी से बढ़ सके। जब जीएसटी लॉन्च हुआ था तब कुछ लोगों ने चिल्ला चिल्ला के दिमाग खराब कर दिया था कि इससे इंडियन इकोनॉमी को नुकसान होगा, इंडियन मार्केट बर्बाद हो जाएगा, पर एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब हर साल भारत का जीएसटी कलेक्शन तेजी से बढ़ रहा है। शुरुआत में जीएसटी कलेक्शन बहुत कम हुआ करता था, पर अब ऑन एन एवरेज हर महीने जीएसटी कलेक्शन आराम से 1.5 लाख करोड़ रुपए को क्रॉस कर रहा है। अब तक का सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन एक महीने में 1,80,000 करोड़ रुपए का हुआ है। जीएसटी कलेक्शन बढ़ने से एक चीज तो क्लियर हो रही है कि भारत में टैक्स पेयर भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और इससे भारत की इकोनॉमी फॉर्मलाइज हो रही है। इसके अलावा भारत के नेशनल सिक्योरिटी की बात करें तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर 2 बार स्ट्राइक्स किए हैं। इसके अलावा 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 रिवोक किया है, जो किसी ने भी नहीं सोचा था। कई लोगों ने बीजेपी का आर्टिकल 370 को लेकर मजाक बनाया था, पर आज वो खुद मजाक बन गए हैं। 370 को तो निकाल ही नहीं सकते, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। मोदी साहब क्या कर लेंगे? 370 की बात करते हैं, वो कभी भी अगर वो 10 दफा भी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे वो 370 को नहीं छू सकते। एक और बड़ा चैलेंज था जिसे कुछ दिन पहले भारत ने फेयरवेल दे दिया। आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर तेजी से ग्रो कर रहा है। कश्मीर में पथराव देखने को नहीं मिल रहा है, बल्कि कश्मीर में F1 की रेस हो रही है। चेनाब ब्रिज बन रहा है, IIT एम्स बन रहे हैं, कश्मीर में टूरिज्म बढ़ रहा है। इसके अलावा मोदी सरकार के टेन्योर में ही राम मंदिर का निर्माण हुआ है, CAA लागू हुआ है, पेंडेमिक के दौरान 220 करोड़ फ्री वैक्सीन डोजेस लगाई गई हैं, 100 से ज्यादा देशों को फ्री वैक्सीन दी गई है। इसके अलावा यूक्रेन से 22,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को सेफली वापस इंडिया लाया गया है। आपने ऐड देखी है दोस्तों? मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। मोदी जी ने वॉर रुकवा दी पापा। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन और ज़ेलेंस्की को फोन करके युद्ध रुकवाया था? इफ यू आस्क मी डिड द रशियन स्टॉप फायरिंग बिकॉज PM मोदी स्पोक टू पुतिन, आंसर इज यस, आई वाज देयर, आई एम मैं साक्षी। इन सब के अलावा बहुत सारी स्कीम्स मोदी सरकार ने बीते 10 सालों में लॉन्च किए हैं और इनका फायदा लोगों को मिला है और इससे भारत में गरीबी कम हुई है। भारत में गरीबी कम करने के लिए स्किल इंडिया मिशन के तहत भारत सरकार ने 1.4 करोड़ यूथ को स्किल प्रोवाइड की है। गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया है। 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को PM आवास योजना के तहत घर दिए गए हैं। सौभाग्य योजना के तहत 2,86,00,000 घरों को इलेक्ट्रिफाइड किया गया है। 14.5 करोड़ हाउस होल्ड में टैप वाटर लगाया गया है। उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ से ज्यादा फ्री LPG कनेक्शन बांटे गए हैं। 11 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट बनाए गए हैं। 50 करोड़ से ज्यादा जनधन अकाउंट खोले गए हैं। 58 करोड़ लोगों का आयुष्मान हेल्थ कार्ड बनाया गया है। 10,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र खोले गए हैं जिन पे मेडिसिन बहुत सस्ते दामों पर मिलती है। इसके अलावा 10 सालों में 34,00,000 करोड़ रुपए गरीब लोगों के अकाउंट में डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। भारत सरकार के इन सभी रिफॉर्म्स के चलते भारत में गरीबी बहुत तेजी से कम हुई है। 2014 में भारत में 29% पॉवर्टी थी, जो अब कम होकर 11% पे आ गई है। पिछले 9 सालों में 25 करोड़ इंडियंस पॉवर्टी से बाहर आए हैं। अमेरिकन बेस्ड ब्रुकिंग इंस्टीट्यूट का कहना है कि भारत ने एक्सट्रीम पॉवर्टी को एलिमिनेट कर दिया है। तो दोस्तों, देखा जाए बीते 10 सालों में बीजेपी ने ये सब काम किया है। वीडियो को 100 लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, इंडिविजुअली फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर। हमारा मिशन है इस खबर को देश के कोने कोने तक पहुंचाना, देश के हर एक वोटर तक पहुंचाना। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।